तो वेलकम क्लास, आप सभी को विकास श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह राठौड़ आज आपको बजट के बारे में समझाऊंगा। तो अगेन जैसे कि मैं हर बार वीडियो के एंड बोलता हूँ, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउन कर सकते हो। मतलब कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपके जो भी सजेशन है, जो भी आपके जो भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पे राइट डाउन, मतलब आप उन वहाँ पे कमेंट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो अगेन ये टेली में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करने से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है बजट। तो मैं यहाँ पे कंपनी बना देता हूँ दी अपने नाम से कंपनी बना रहा हूँ, राहुल सिंह। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा अपना इंडिया, अगेन सॉरी यहाँ पे स्टेट आएगा राजस्थान, एंड देन अगेन मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ए, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये सारा डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे जो अभी बजट बजट में क्या होता है कि जो हमारा बजट का जो बजट की हमारी जो स्टडी है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी यहाँ पे एक्चुअली में बजट के अंदर हम कुछ भी ऑप्शन को यस नहीं करना पड़ता। तो अभी क्या इसमें कुछ यस नहीं करना, अपन सिंपली जस्ट बैग जाएंगे। ओके अगेन ये मस्त हमने टेली है और ये कंपनी बनी हुई है, ये सारे ऑप्शन जो भी है आपके सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब करना क्या है आपको यहाँ पे, आपको सबसे पहले बजट को समझना, बजट क्या होता है। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि एक बार के लिए मैं भी ओके। तो सबसे पहले हम बजट को समझते हैं, बजट क्या होता है। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको मैं आपको यही समझाता हूँ बजट क्या होता है। जैसे कि बजट ये मतलब नेम स्टेड ओपन हुआ है, और जैसे कि कंपनी होती है उसमें कई प्रकार के खाते होते हैं, कई प्रकार खाते होते हैं, कई प्रकार काम होते हैं, कई प्रकार डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे परचेज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, बैंक का अलग हो गया। मतलब जैसे बैंकिंग स्टेटमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, फर्म में भी होता है। बट एक्चुअली क्या है कि हम एक ही नॉर्मल परचेज का डिपार्टमेंट लेके चलते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट का नाम यहाँ डाल दिया, हमने परचेज, परचेज का डिपार्टमेंट हो गया। अब परचेज के डिपार्टमेंट पे जो मैनेजर था उसने बोला कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्या है, मतलब कि ओके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बट ये क्या है खर्चा करता है काफ़ी ज़्यादा, राइट। मतलब आपका डिपार्टमेंट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है आपका डिपार्टमेंट किसमें, कंपनी के अंदर। मतलब परचेज कर रहा है, माल खरीदेगा, खर्चा होगा। तो आप क्या करना है, कंपनी ने बोला, सो कंपनी के मैनेजर उसने बोला कि आप एक काम करो, आप 3 महीने का जो बजट है, 3 महीने का जो बजट मैं लेकर चलता हूँ, मतलब 3 महीने का आपका बजट है कितना, 4,50,000। ओके तो ये बताया कि आपका कितना बजट है परचेज का, 4,50,000 रुपये, और सेल्स का उसने बजट बता दिया। सेल्स का बजट नहीं होता एक्चुअली, सेल्स का टारगेट होता है। सेल्स का उसने बजट बना मतलब टारगेट बना दिया, बजट बना दिया, उसको बजट में काउंट करेंगे वो कितना हो गया उसका है 9,30,000 एवरेज। तो ये आपका परचेज का बजट हो गया, ये किसका हो गया, सेल्स का बजट हो गया। अब इवेंचुअली यही चीज़ है, इसे बोलते हैं बजट। अब ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा का इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना आपने बजट बनाया उतना ही काम हो सकता है कि कोई माल बरसात में भीगने के कारण आपको माल और मंगाना पड़े, तो 4 लाख का बजट, 4.5 लाख का बजट 5-6 लाख में पहुंच सकता है। या फिर हो सकता है आपने काफ़ी इफेक्टिवली काम किया और बजट मतलब जो जितना बजट बनाया था 4,50,000 का, आपने इवेंचुअली उससे कम में काम कर दिया। तो डिपेंड करता है कि बजट किस प्रकार का, मतलब ऐसा नहीं कि बजट ओवरफ्लो नहीं कर सकता, बजट ओवरफ्लो अंडरफ्लो दोनों हो सकते हैं। बट बजट क्या एक अपन का टारगेट होता है जो अपन को बीट करना होता है एक्चुअली। सेल्स में क्या होता है, सेल्स में जैसे सेल्स का टारगेट दे रखा है 9,30,000 का, अपना क्या होना चाहिए, ये मतलब ये कंपनी की ये उम्मीद होती है एम्प्लॉय से कि वो बजट क्रॉस कर दे, जिसने बजट क्रॉस कर दिया कंपनी उसकी फेवर में होती है। तो इवेंचुअली हमारे पास बजट है परचेज का और सेल्स का। तो अपन कहाँ जाएंगे अभी, टेली के अंदर हम आते हैं। ओके सबसे पहले हम कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी जैसे कोई भी एंट्री करेंगे या कुछ भी करेंगे तो पहले लेजर बना लेते हैं। तो लेजर मैंने 25 का बना दिया, 25 के अंदर में क्या आएगा, 6 जी आएगा। फिर मैंने बना दिया सेल्स, सेल्स के अंदर में क्या आएगा, सेल्स ही आएगा। और जैसे उधार में हम निकल में करेंगे कोई इशू नहीं है। अभी हमको बनाना है बजट, बजट के लिए अपन कहाँ जाएंगे, अपन जाएंगे नॉर्मली अपने क्रिएट के अंदर, बजट में अपन के क्रिएट के अंदर, और लेजर को हमने बना दिया। अपन जब बनाएंगे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे शो मोर पे, और हम जाएंगे यहाँ से बजट के अंदर, बी ए बजट आ गया।
अब बजट देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका बजट है इस जगह पे, इस जगह पे क्या आएगा, आपका बजट का नाम आएगा। जैसे पहला बजट था आपका परचेज का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज। अंडर में आपको ट्राई डाउन करने की आवश्यकता नीड नहीं है, अपना जाएंगे आगे। तो बजट की डेट अभी 1/4 आएगी यहाँ पे। अब 1/4 कैसे आई, क्योंकि ये डेट हम देखो बजट क्या होता है, एक पीरियड के बीच का होता है कि भाई एक मतलब कि अगर 3 महीने का बजट है तो आज डेट हो गई, जैसे अपन की आज की डेट है 12 तारीख, तो क्या होगा कि 12 के बाद का जो बजट है वो आएगा। मतलब कि ये जो 12 तारीख का बजट है, मतलब 12 नवंबर से लेके 1 जनवरी तक का बजट, मतलब 3 महीने का बजट, इस प्रकार से काम होता है। तो अपन ने ले लिया पहला 1/4 और दूसरा मैंने ले लिया 1/9, मतलब अभी इतने महीने का बजट है, 3 महीने का नहीं, काफ़ी ज़्यादा महीने का बजट है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ग्रुप और लेज़र, तो यह मैं चूज़ करूँगा लेज़र। लेज़र को मैं कर दूँगा यस। लेज़र में क्या रहा, अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम स्पेस, तो बाकी क्या चूज़ कर लिया यहाँ पे, परचेज और क्लोजिंग बैलेंस। और मैंने अमाउंट डाल दिया कितना कितना बजट था परचेज का, परचेज का बजट था 4,50,000, अगर आपको याद है तो कितना था बजट का, 4,50,000। तो मैंने कितना डाल दिया इसमें, 4,50,000। सेव सेव सेव, ओके। परचेज का बजट मैंने सेव कर दिया। अपन अब जाएंगे सेल्स के बजट पे, सॉरी सम टाइपिंग मिस्टेक्स, ओके टू डू परचेज। ये अपन सेम पीरियड ले लेंगे और अपन जाएंगे लेजर में, और अपन ने यहाँ पे चूज किया कितना, 9,30,000। अपन इसको भी कर देंगे सेव। तो ये सीन था, हमने परचेज का बजट बना दिया, सेल्स का बजट बना दिया। अब बजट बनाने के बाद में क्या करते हैं, हम कुछ लेन देन करते हैं उन्हीं बजट से रिलेटेड। जैसे कि अपन जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F9 कंट्रोल H और एज वाउचर। ओके, ये पहला बजट है, मतलब पहली एंट्री है 30,000 रुपये से, कोई इशू नहीं, अपन ने सेव कर दिया। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी 1,00,000 रुपये से, 1,20,000 रुपये से, 12,000 रुपये। तीसरी एंट्री होगी वो होगी अपने केस में 70 रुपये से, 78,000 रुपये से। ओके, अब बन जाएंगे F8 सेल्स वाउचर के अंदर, उम्मीद कर रहा हूँ 20 में नहीं आ, ना नहीं आ रहा मैं, और कंट्रोल प्लस H एज वाउचर। और मैंने यहाँ पे कैश डाल दिया यहाँ पे, मतलब नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे हम, केवल एंट्री कर रहे हैं कि हम 2 लाख का माल बेच दिया। और उसके बाद अपन फिर से हम क्या करेंगे, माल बेच देंगे, ओके। हमने माल खरीद भी लिया, हमने माल बेच भी दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैक, हम बैक जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे हमने दबाई एंटर, और हम जाएंगे अभी ट्रायल वेरियंस में, और अपन जाएंगे बजट वेरियंस के अंदर। तो मैंने F10 यहाँ प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे चूज करना अपन को कौन सा बजट क्या है, दो बजट है, 25 का और सेल्स का। तो मैं पहले देख रहा हूँ 25 का बजट, एंटर, ओके सॉरी मैंने दो बार दबा दिया, ठीक है। प्लस ये आपका सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट आ रहा है, राइट। बजट कितना था, ओके मैंने गलती से 45,000 कर दिया, 4,50,000 की जगह पे, चलो चेंज करते हैं वापस, कोई इशू नहीं है। अपन जाएंगे अल्टर में, अपन जाएंगे बजट में परचेज, ओके 4,50,000, 1, 2, 3, 4। भी 4,50,000 अल्टर बजट, ओके। अभी हम जाएंगे बेक, इसमें डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस और परचेज, ओके F10 और परचेज, ओके ये आ गया। परचेज का बजट कितना था, 4,50,000 का, कवर कितना कर लिया हमने, 2,28,000 का, तो कितना हो गया, 50%, 50% जो भी है ऊपर हमने कवर कर लिया, इतना भी रिमेनिंग है। तो ये बजट होता है। और अपन को सेल्स का देखना है, तो हम जाएंगे बैग F10, यहाँ पे परचेज की जगह सेल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ये अभी सेल्स का बजट आ गया कितना था, 9,30,000 का था, कितना कवर कर लिया हमने, 5,00,000, 53% कवर हो गया, कितना बाकी पड़ा है अभी,
64 मतलब 46% अभी बाकी पड़ा है। तो वंस अगेन क्लास, ये थी आपकी सिंपल बजट, कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं होती, बट आना ज़रूरी होता है इसको। अगेन अगर आप उस समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यही था आज का टॉपिक। वंस अगेन आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।